हेलो फ्रेंड्स, आपका इंडिपेंडेंट अकेडमी में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड यू आर फार अवे फ्रॉम कोरोना। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए एक DSS का टॉपिक लाया है। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों की मांग थी कि आप DSS का MCQ करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज से आपको DSS के टॉप 200 MCQ मिल जाएंगे। तो आज उसका पार्ट वन होगा। आज आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे करके मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज आप अपने आप को टेस्ट करें। एक टेस्ट रखा गया, टेस्ट योर सेल्फ है। देखें कि 10 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हो, कितनी आपकी जानकारी है। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जो आंसर होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहले आप टेस्ट दे लो, फिर आप देखो कि आपके कितने उत्तर सही हो पाते हैं, वो मिलान कर लेना, वो आपको उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जो इस टॉपिक जो 200 टॉप 200 MCQ का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, इफ द डेप्थ ऑफ गिडर इज लेस देन 750 मिलीमीटर होगा दोस्तों, ध्यान दे लिख लीजिएगा, इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, शैडो प्लेट गिडर, डीप प्लेट गिडर, नन ऑफ डिच एंड बोथ ऑफ डिच। पहले आप सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 750 मिलीमीटर होगा। तो दोस्तों, आपको जो सही उत्तर लगे आप कमेंट कर देना कि आपको आंसर ए लगे या बी लगे या सी लगे या डी लगे। तो आपको जो उत्तर लगे बिल्कुल आप देख लेना। और मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसका जो उत्तर रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज एज अ बीम एज। आपको ऑप्शन दिया गया दोस्तों, एज सेक्शन, बी सर्कुलर सेक्शन, ऑप्शन 3 एंगल्स एंड ऑप्शन डी आई सेक्शन। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं दोस्तों आप लोग के लिए। मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज एज अ बीम एज, योर ऑप्शन एज एज सेक्शन, ऑप्शन बी सर्कुलर सेक्शन, ऑप्शन सी द एंगल्स एंड ऑप्शन डी आई सेक्शन। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो बहुत, आप इस क्वेश्चन को बहुत बार देखे हुए होंगे, तो इसको आप देख लेना कि आपका सही होता है कि नहीं। इन अ बीम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर एट, कोई बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर अकर करता है। ऑप्शन ए द टॉप लेयर ओनली, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ बीम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। जो सही होगा दोस्तों आप लोग टिक कर देना और आप इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलान कर लेना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन अ बीम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर एट, जी हाँ दोस्तों, कोई बीम पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर, बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर अकर करता है। ऑप्शन 1 टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ बीम, ऑप्शन 2 सेंटर, ऑप्शन 3 बॉटम लेयर ओनली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, द फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट गिर्डर इज सब्जेक्टेड टू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, द फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट गिर्डर इज सब्जेक्टेड टू, ऑप्शन नंबर 1 एक्सियल फोर्स ओनली, ऑप्शन नंबर 2 शियर एंड एक्सियल फोर्स, ऑप्शन नंबर 3 बेंडिंग मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिच। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ध्यान से आप ध्यान दोगे आप, फ्लेंज स्प्लाइस एंड वेव स्प्लाइस आर प्रोड्यूस टू, फ्लेंज स्प्लाइस एंड वेव स्प्लाइस आर प्रोड्यूस टू। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान से देख लेना, ए इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, बी डिक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, सी
कांस्टेंट रखता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलते क्वेश्चन आज के सातवें क्वेश्चन पे। द प्लेट कनेक्टेड विद द फ्लेंज ऑफ बीम सेक्शन इज नोन एज, द प्लेट कनेक्टेड विद द फ्लेंज ऑफ बीम सेक्शन इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए वन कवर प्लेट और हिंज प्लेट, ऑप्शन नंबर टू कवर प्लेट और एक्सल प्लेट, ऑप्शन नंबर थ्री कवर प्लेट और फ्लेंज प्लेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आज का आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय, ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 12%, ऑप्शन नंबर डी 25%। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, द इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट ग्रेडर कॉरस्पॉन्ड टू, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम वेट, ऑप्शन नंबर टू मिनिमम डेप्थ, ऑप्शन नंबर थ्री मैक्सिमम वेट, ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ दिस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, द इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट ग्रेडर करस्पॉन्ड टू, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम वेट, ऑप्शन नंबर टू मिनिमम डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम वेट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम वेट, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल यहीं पर कंक्लूड भी कर देंगे हम लोग। द बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ रूप पुलिंस इज टेकन एज, द मैक्सिम, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ रूप पुलिंस इज टेकन एज, ऑप्शन नंबर ए WL/10, ऑप्शन नंबर बी WL/20, ऑप्शन नंबर सी WL/40, ऑप्शन नंबर डी WL/50। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉप 10 क्वेश्चन, और जैसे ही मैंने वीडियो को शुरुआत में ही मैंने बताया था दोस्तों कि आपको इससे DSS से रिलेटेड 200 MCQ मिलेगा। तो दोस्तों इस 200 MCQ को आप ध्यान से देखो, और इस 200 MCQ को आप ध्यान से अगर देख लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पॉलिटेक्निक एग्जाम, गेट एग्जाम सभी में इसका यूज कर सकते हो, अपने नंबर को बढ़ा सकते हो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, हमें एक आपसे एप्रिसिएशन मिलेगा, और फिर एक नया वीडियो बनाने में हमें एक प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहे दोस्तों, और हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।